ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी मैं राजस्थान में हूँ और यहाँ पर जो है मेरी दीक्षा काल चल रहा है, जिसमें कि गुरुवर मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र सब सिखा रहे हैं। और मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि मैं वो गूढ़ रहस्य जान पा रहा हूँ। तो राजस्थान की मिट्टी में कुछ ऐसी बात है कि अगर आप साधना करने यहाँ पर आते हैं तो देखते ही देखते आप अपनी सारी जितनी भी साधनाएं हैं वो पलक झपकते ही पूरी कर लेते हैं। और मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बताऊं आपको। अब अभी हम कुछ दिनों पहले आए थे गोगा मेडी, तो यहाँ की वातावरण, इन एक हवा ऐसी है कि बहुत पुराने समय में मुझे लेके जाती है। यहाँ पर कुछ वनस्पति मुझे ऐसी मिली जिसमें कि इस यहाँ के जो लोग हैं वो इसको जाल कहते हैं। एक पेड़ होता है राजस्थान में लगता है, वो बिल्कुल एक बार उसको आप देख लेंगे तो आप किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। आप कभी अगर राजस्थान आए तो वहाँ पर एक जाल का पेड़ होता है, अगर आप कभी देखें तो आप अगर उसको देखेंगे 2 मिनट के लिए तो आप भ्रमित हो जाएंगे। मुझे नहीं पता आप होंगे या नहीं, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं भ्रमित हो गया, क्योंकि ऐसी वनस्पति मैंने कहीं नहीं देखी थी। और अब जो है मेरे यहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं और जल्दी मेरे सारे पूरे हो जाएंगे। तो गुरुवर ने क्या किया है कि मुझे एक सर्व सिद्धि का मंत्र दिया है। तो मेरे पास तो सिद्धियाँ बहुत सारी हैं और मुझे इनकी ज़रूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने वो ग्रहण कर लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गोरखनाथ का वो मंत्र मैं आपको दूँ, ताकि आपका जो भी काम रुका हुआ हो, चाहे वो नौकरी पाना हो, कोई इंटरव्यू हो, या फिर किसी भी तरह की रुकावट आ रही हो किसी काम में, तो आप ये मंत्र एक बार बोल दीजिए और फिर उस काम को कीजिए। तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये आपका काम बना देगा। अक्सर ऐसा होता है कि एक नंबर से या लक के अभाव में या फिर कोई भी ऐसी रुकावट आ जाती है कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाते। तो ऐसे में ये जो गोरखनाथ जी का मंत्र है ये सर्व सिद्धिदायक है और ये इतना पावरफुल है कि आप मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये शाबर मंत्र है। आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार बोल देना है और अपना काम करना है। बस यूँ समझिए कि जैसे रिमोट होता है, यहाँ पर रिमोट दबाया वहाँ पर आपका काम हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। साधक को कुछ बातें याद रखनी होंगी। इस काल में मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, जैसे कि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, ये वर्जित है इसमें। दूसरा, जमीन पर सोएं। जमीन पर अगर आप सोते हैं तो ये अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। तीसरा है, किसी भी ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर कि कोई नवजात शिशु पैदा हुआ हो या फिर कोई मृत्यु स्थल जहां पर कि अभी अभी कोई मरा हो, ऐसी जगह पर जाना वर्जित है। बस ये सावधानी रखिए और इस मंत्र को कीजिए। इसके बाद आपका जो भी रुका हुआ काम है वो बनता चला जाएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। और गुरुदेव का मंत्र मैं आपको दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में होगा, उसको आप देखिए और सुनिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9999481625 पर। कई लोग कहते हैं कि गुरुवर आपके मंत्र मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, और कई लोग कहते हैं गुरुवर पहली बार में काम हो गया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किसी के लिए काम करते हैं किसी के लिए नहीं करते, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली होता ये है कि जो विश्वास करते हैं, जिनका विश्वास अडिग है, उनके लिए मंत्र बहुत जल्दी काम कर जाते हैं। और जो लोग विश्वास नहीं करते, बस ऊपर ऊपर से बस किए चले जाते हैं और अंदर से कुछ और होता है, तो उनके लिए मंत्र बहुत देर में काम करते हैं या फिर काम करते ही नहीं है। तो जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है, उसी तरह से जब आप कोई भी मंत्र या फिर कोई भी साधना करें तो आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। अगर विश्वास अडिग है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर गुरु एक चुटकी राख भी दे दे तो उसको भी सोने से ज्यादा संभाल के रखिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ वो राख काम आ जाए,
और लाखों के उपाय काम लाए। क्या अब तक किस रूप में भगवान मिल जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते, बस आपको विश्वास करना होगा और कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ऐसे बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं जो मैं सुलझा रहा हूँ, और यहाँ की जो राजस्थान की मिट्टी है इसमें महक ही कुछ अलग सी है। अगर आप साधना से जुड़े हुए हैं तो एक बार आइए यहाँ पर। मैं जोधपुर घूम चुका हूँ, जैसलमेर घूम चुका हूँ, और यहाँ की जो मिट्टी है उसकी सुगंध मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे ये कहीं और ही लेके जाती है। और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे इनको शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई दूसरी दुनिया हो। जैसे अभी जो हम आमने सामने लोगों को देखते हैं, एक दुनिया ये होगी, और एक दूसरी दुनिया जो मैं देख पाता हूँ वो है जो कभी थी यहाँ पर। आप उस स्टेज पर नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ कि मैं उनको देख सकता हूँ जो कि पहले यहाँ पर थे। तो ये दोनों देखने पर अजीब सा महसूस होता है, एक पहले की जनरेशन और एक अब, और जो पहले रही होगी उसको देखना और एक अब देखना, तो बहुत अजीब सा हो जाता है। आप भी साधनाएं कीजिए, इसके बाद आप भी महसूस कर पाएंगे इन चीज़ों को। मैं उन चीज़ों को देख लेता हूँ जो पहले रही हो या फिर कभी यहाँ पर हुई हो। तो उसी तरह अगर आपको भी ऐसी शक्तियाँ चाहिए तो साधना कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं sirstop.com, वहाँ पर आपको एक से एक गूढ़ रहस्य सुलझे हुए मिलेंगे। मुझे कॉल कीजिएगा 9928416625 पर, ताकि मैं आपको इस बारे में और ज़्यादा बता सकूँ। धन्यवाद। नाहर सिंह की खोपड़ी, नाहर सिंह की खोपड़ी, बजरंग बली का कड़ा, बजरंग बली का कड़ा, कोई भी परेशानी आए, कोई भी परेशानी आए, गोरखनाथ, गोरखनाथ हाजिर खड़ा, हाजिर खड़ा। जय मेरे शब्द, ध्यान रखिए।